आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दिन के अंतिम पलों में हम प्रभु की याद करें, प्रभु का सानिध्य अपने करीब महसूस करें और प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। आंखें मन कीजिए। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हमारे ऊपर तेरे प्रेम को उंडेलने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही थी, उसी तरह हम जानते हैं और विश्वास करते हैं, हमने महसूस किया कि तेरा प्रेम हमारे ऊपर पड़ रहा था, तो हम हमारा संरक्षण कर रहा था, हमारे शरीर में तेरा सामर्थ्य बह रहा था। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, हर कार्य को करने के लिए तूने हमें आवश्यक बुद्धि प्रदान की। धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, हमारे पास शब्द नहीं है तुझे धन्यवाद देने के लिए। हमारे ये संपूर्ण जीवन ही तेरी देन है। जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस रात के समय हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने काम काज को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपनी सारी चिंताओं को, फिक्र को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं, प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। हे पिता, हम इस वचन पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। इन क्षणों में हम महसूस करते हैं कि हम लोग पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हमने तेरे प्रेम का एहसास नहीं किया, हमने तेरे प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं किया, कभी कभी हमने तेरे सानिध्य को भुला दिया, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसके द्वारा दूसरों को दुख मिला, हमारे हाथों से ऐसे कार्य हुए जो दूसरों के लिए दुखदाई रहे। ये दयालु पिता, हम पर दया करना, हमारे पापों के बोझ को उतार देना, हमें स्वतंत्र कर देना। पिता, आज की इस रात में हम आजादी का महसूस अनुभव करें, शांति महसूस करें, हमें संरक्षण देना, तेरे लाखों दूतों को भेजकर हमें चारों ओर से सुरक्षा देना, हमारे घर के चारों ओर लाखों दूतों का घेरा बने, हम सुरक्षा में जी सके। जो तुझ पर भरोसा रखता वो कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हमारे हृदय में यही बात गूंजती रहे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हमें अच्छी नींद प्रदान कर, हमें शांतिपूर्ण नींद प्रदान कर, कल का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। हे प्रेमी पिता, मेरे भाई बहनों को इस समय आशीर्वाद प्रदान कर। तेरे पुत्र के नाम पर इस समय मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे भाई बहनों को तेरी शांति का एहसास करा। आज की पूरी रात उनके लिए शांति की रात हो, ताकि कल सुबह वे बड़े उत्साह के साथ उठ सके एक और नए दिन का स्वागत करने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आशीर्वाद।